हम भारतीय दर्शन के मुख्य विशेषताओं के बारे में पहले पढ़ रहे थे। आज सातवां और आठवां बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहले जो है क्या क्या बिंदु था याद है? पहला बिंदु था जीवन के प्रति एक निश्चित दृष्टिकोण होता है। भारतीय दर्शन का एक हमारा जो जीवन है इसके प्रति एक दृष्टिकोण, उसका एक विचार जो है वो निश्चित है कि ऐसा ही है। और भारतीय दर्शन की उत्पत्ति क्यों हुई, इसका क्या कारण है, इस पर विचार के दूसरे बिंदुओं में क्या था वो कारण? आध्यात्मिक असंतोष। दूसरा कारण क्या था? आध्यात्मिक असंतोष, इसके कारण दर्शन की उत्पत्ति हुई। और तीसरा क्या था कि विश्व को नैतिक रंगमंच मानते हैं। भारतीय दर्शन क्या करता है, विश्व जो है वो क्या है, एक रंगमंच की तरह है और व्यक्ति इस पर पात्र के रूप में आकर के अपना अपना रोल अदा करता है। और चौथा क्या था, विश्व को, विश्व की जो शाश्वत नैतिक व्यवस्था है एक किसी खास व्यवस्था से चल रहा है, लगता है ना कि ऑटोमेटिक सब काम कर रहे हैं, तो कोई ना कोई चलाने वाला है ना, इसकी जो व्यवस्था है वो नैतिक व्यवस्था, वो शाश्वत है, हमेशा से चलने वाली है, इस पर विश्वास करना। इसके अलावा क्या था दूसरा पॉइंट, आत्मा का अस्तित्व है इस पर विश्वास करना। बिना आत्मा का अस्तित्व को हम माने आगे भारतीय दर्शन में नहीं बढ़ सकते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या था, दुख एवं बंधन का कारण, धरती पर विश्व में जो मानव जीवन में दुख और तकलीफ है इसका कारण क्या है, अज्ञान। और इसका निदान क्या है, इसका उपाय क्या है, ज्ञान। ज्ञान होगा तो क्या होगा, दुख और कष्ट नहीं रहेगा, बंधन नहीं रहेगा, तो क्या होगा, मोक्ष मिल जाएगा। इसके बाद जो पॉइंट है सातवां पॉइंट, वो है आत्मनियंत्रण। क्या है? आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। और क्या पॉइंट है, एकाग्र चिंतन। भारतीय दर्शन इन दो बिंदुओं पर बहुत जोर देता है। ये किस पर निर्भर करता है, ये दोनों जो बात है आत्मनियंत्रण और एकाग्र चिंतन, ये खुद पर ही लागू होता है, कोई इसको दूसरा नहीं कर सकता है। तो इसके बारे में क्या बात है देखते हैं। भारतीय दर्शन का मुख्य लक्ष्य क्या है, क्या करना चाहता है, ये मोक्ष प्राप्ति करना चाहता है। भारतीय दर्शन का मुख्य लक्ष्य क्या है, मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति क्या है, दुखों का अंत हो जाना। तो कैसे होगा, तो एकाग्र चिंतन के बारे में देखते हैं। एकाग्र चिंतन का क्या महत्व है, एकाग्र मतलब क्या होता है, एकांत में अकेले। एकाग्र मतलब क्या होता है, अकेले। और चिंतन मतलब उस पर विचार करना। हम अकेले किसी से बिना पूछे, किसी के बिना सलाह के, अगर हम खुद आग बंद करके हम सोचें कि हमने क्या किया है, तो हम सही रास्ते पर आ सकते हैं। तो एकाग्र चिंतन पर जोर दिया गया है। और अगर हमको कुछ गलतियां का पता चलता है कि हमने ये गलती किया है, तो उसको हम आत्मनियंत्रण के द्वारा ठीक कर सकते हैं। तो पहले गलती है, क्या गलती है ये पता होना चाहिए ना, तो ये पता होने के बाद ही हम उसको ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं जब कोई बीमार, तो वो क्या डॉक्टर करता है, पहले बीमारी क्या है ये जानने कोशिश करता है, ये नहीं कि आया दवा दे दिए, ऐसा तो नहीं होता है। पहले पता करता है बीमारी क्या है, और जब बीमारी क्या है ये पता चल गया, तो उसके बाद क्या होता है, उस खास बीमारी का कुछ खास दवा है, वो दवा दिया जाता है। तो यहाँ पर एकाग्र चिंतन क्या कर रहा है, इसका काम क्या है, तीन प्रोसेस है इसमें। मस्तिष्क से बुरे विचार, इस दिमाग में जो है जितने भी गलत गलत विचार घुस गए हैं, जब हमको होश आया उस समय, तो बच्चा अगर एक साल का दो साल का बच्चा है, उसके मन में कोई विचार होता है, वो कुछ सोचता नहीं, वो निर्मल होता है, वो पाक साफ पवित्र होता है। इसीलिए बच्चे को क्या माना गया, ईश्वर का रूप माना गया, भगवान माना गया। क्यों? क्योंकि उसके मन में अच्छा बुरा विचार कुछ नहीं है, वो जैसा है जो है सही है, बच्चे को भगवान का रूप इसलिए मानते हैं। तो लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं बच्चे, तो उसमें जो है बाहर की बुराइयां भी आ जाती है, अच्छाइयां भी आती है, लेकिन अच्छाई ज्यादा होगा तो अच्छा व्यक्ति बनेगा, और बुराई ज्यादा दिमाग में आएगा तो क्या होगा, बुरा व्यक्ति बन जाएगा। तो यही कह रहा है कि अगर मस्तिष्क में कुछ बुराई घुस गया है, बुरा विचार आ गया है, तो उसका क्या करना है, निष्कासन करना है। क्या करना है,
निष्कासन, निष्कासन मतलब निकालना। अगर हमारे रूम में कचरा भर गया, आंधी तूफान आया, आंधी के साथ धूल कण पत्ते आ गए रूम में, तो क्या करेंगे? उसको रहने देंगे? उसकी सफाई करना जरूरी है। तो सबसे पहले सफाई किसकी जरूरी है? मस्तिष्क की सफाई करना जरूरी है। मस्तिष्क में कचरा क्या है? बुरा विचार कचरा है। मस्तिष्क का कचरा क्या है? बुरा विचार, जो गंदा विचार है, जिससे किसी को हानि हो सकता है, वैसा विचार है, तो वैसे विचार को क्या कहते हैं? बुरा विचार। और उसका क्या करना चाहिए? उसका निष्कासन करना चाहिए, उसको निकालना है। सबसे पहला काम है, जब ये निकाल देंगे तो हमारा दिमाग क्या होगा? साफ हो जाएगा। घर क्या होगा? कचरा निकालने से साफ हो जाता है। उसी तरह से हमारा ब्रेन जो है वो साफ हो जाता है। तब क्या करना है? तब कह रहा है कि उत्तम विचार, ठीक है, जो अच्छा अच्छा विचार है उसको प्रतिष्ठित करना। जिस तरह से मंदिर में मूर्ति की, देवता की मूर्ति, भगवान की मूर्ति की स्थापना करते हैं ना, तो वो प्रतिष्ठित करना हुआ, उसी तरह से अच्छे विचार को हम मस्तिष्क में डालेंगे। कैसे? शिक्षा के माध्यम से, अच्छे लोगों के संपर्क के माध्यम से। तो उत्तम विचारों को प्रतिष्ठित करना कहाँ पर? मस्तिष्क में। कहाँ पर? ब्रेन में। जहाँ पर कचरा था, कचरा को साफ किए और बढ़िया विचार उसमें, उत्तम विचार उसमें डाले। ये दो प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमको बढ़िया बनना है, अच्छा बनना है, स्वस्थ बनना है, समाज को ठीक करना है, तो ये अगर हो गया तब कहता है आत्मसंयम। अगर ये दोनों आ गया, अच्छा विचार भी आ गया, तब हमको आत्मसंयम पर ध्यान देना चाहिए। आत्मसंयम क्या है? आत्मसंयम और आत्मनियंत्रण एक ही है, दोनों अलग अलग चीज है। आत्मसंयम और आत्मनियंत्रण, आत्म मतलब खुद, अपना, तो हम अपने पर नियंत्रण करते हैं, अपने पर संयम रखते हैं। संयम का मतलब अपने को रोकना, कंट्रोल में रखना। जिस तरह से कोई गाड़ी होता है, गाड़ी में आत्मनियंत्रण करने के लिए क्या रहता है? ब्रेक क्या रहता है? ब्रेक। घोड़ा जब चलता है तो घोड़ा पर जो बैठा हुआ सवार होता है, घोड़सवार, उसके हाथ में क्या रहता है? लगाम। क्या रहता है? लगाम। घोड़ा दौड़ रहा है, उसको कितना दौड़ाना है ये उस घोड़सवार के हाथ में कंट्रोल रहता है। वो क्या करता है? उसको पैर से मारता है तो क्या कर, घोड़ा दौड़ने लगता है और हाथ से खींच लेता है तो घोड़ा रुक जाता है। हल्का रुकेगा तो धीरे धीरे रुक, धीरे धीरे उसका चाल हो जाएगा। तो कितना चलाना है ये घुड़सवार जानता है। गाड़ी में एक्सलेटर देते हैं, क्लच लेते हैं और ब्रेक लेते हैं, इस तीनों को मिला करके हम गति को नियंत्रण में करते हैं। तो गति को नियंत्रण करने का मतलब रोकना है, रोक देना नहीं है। ब्रेक का काम खाली रोकना है, रोकना नहीं है, उसको नियंत्रित रूप से जितना आवश्यक है उतना चलाना। तो आत्मनियंत्रण बहुत जरूरी है कि नहीं? तो ये कब कैसे होगा, इसको जो है हम आत्मसंयम कैसे होगा इसको समझेंगे, लेकिन उसके पहले हमको ये दोनों बात पर ध्यान देना होगा। अगर हम ये तीनों बात पर ध्यान देंगे तो मोक्ष की प्राप्ति हमको हो जाएगी। अब आत्मसंयम क्या है इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि आत्मसंयम के लेवल में जब आ गए तो यहाँ पर क्या होता है, दूषित भावनाओं का समूल नष्ट हो जाता है, नाश हो जाता है। जितने भी हमारे दिमाग में भरा हुआ कचरा था वो तो यही नाश हो गया। इस स्थिति में जाकर के क्या हुआ, अब कोई भी कचरा नहीं है और कोई कचरा आएगा भी नहीं। पहले तो नहीं था, जो था वो खत्म हो गया, अब आगे भी नहीं आएगा। और इससे फिर जो है ये कैसे हुआ, समूल भावना का जो दूषित भावना था उसका नाश कैसे हुआ? एकाग्र चिंतन से हुआ। कैसे हुआ? हम चिंतन किए तब ना, अकेले में सोचे कि क्या है, हम क्या गलती करते हैं, हमसे क्या बुराई हो जाती है, हमसे लोग नाराज क्यों हो जाते हैं। अगर हम इस पर विचार करेंगे तो क्या पता चलेगा कि हमरे में कुछ बुरा विचार है, हम कुछ गलत किए हैं, ऐसा होता है ना। और जब ये हमको निकाल दिए और अच्छे विचार को ला लिए तो हम ठीक होगा। तो ये जो समूल भावना का नाश होता है, दूसरी भावना का, वो कैसे होता है? एकाग्र चिंतन से। और एकाग्र चिंतन कैसे होगा? अब हम खुद कोशिश करते हैं कि हम चुपचाप अकेले बैठ करके सोचे, लेकिन जैसे हम सोचने की कोशिश करते हैं, एकाग्र चिंतन ध्यान लगाना है, एक तरह समझो क्या है ये,
ध्यान लगाना, लेकिन जैसे हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो देखना कभी यहाँ खुजली होने लगेगा, कभी यहाँ खुजली होने लगेगा, कभी जो है किसी की याद आने लगेगी, कभी कुछ और बात होने लगेगा, कभी भूख लग जाएगा, कुछ ना कुछ भटकाव होता है। हम सोचने के लिए कुछ और बैठे हैं और होने कुछ और लगता है, तो ये भटकना ना हो गया। हम पढ़ने बैठे और पढ़ने के अलावा कुछ और काम होने लगा, तो ये क्या हुआ, भटकाव ना हुआ? तो ये एकाग्र चिंतन कैसे होगा? ये आसानी से नहीं होता है। ये चिंतन अगर आसानी से सब कर लेता तो सभी लोग इसको पालन कर लेता। कोई चाहता है कि हम बुरा बन जाए? कोई नहीं चाहता है, सब चाहता अच्छा बनना, लेकिन अच्छा क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि वो एकाग्र चिंतन नहीं कर पाता है। चाहता भी है तब भी वो उसको अच्छा से नहीं कर पाता है। तो यह कैसे होगा? तो इसके लिए योग की महत्ता है, ठीक है, योग का महत्व है। बिना योग का एकाग्र चिंतन नहीं होता है। अब का जरूरी हो गया, सबसे पहले क्या करना होगा, योग पर ध्यान देना होगा। अगर हम योग को करते हैं तो योग करने से क्या फायदा होता है? योग से एकाग्र चिंतन होगा, एकाग्र चिंतन से सभी दूषित भावनाओं का समूल नाश हो जाएगा और हम स्वच्छ हो जाएंगे, साफ सुथरा हो जाएगा। तो योग क्या हो गया, एक तरह से समझो झाड़ू है। क्या है वो? झाड़ू। बिना झाड़ू का कैसे घर साफ करेंगे? घर साफ करने लिए चाहिए ना कुछ हथियार, कुछ साधन चाहिए ना, वो साधन क्या है? योग है। योग से ये सब संभव हो सकता है। योग से क्या क्या होगा, बुरे विचारों से मुक्ति मिलेगी। योग अगर करेंगे तो लास्ट में होगा ना, सब बुरा विचार जो खत्म हो जाएगा और उत्तम विचारों को मस्तिष्क में भरने का काम होने लगेगा। तो योग से हमको फायदा हुआ। अब बीच के बात को अगर हम भूल जाए तो भी, अगर हम सिर्फ एक सीढ़ी को चप पकड़ लें, छत पर चढ़ना है और सीढ़ी का जो पहला पायदान है उस पे हम खड़े हो जाए और चलना शुरू कर दें, बीच की सीढ़ी को देखने की जरूरत है? हम छत पर पहुंच ही जाएंगे, नहीं पहुंचेंगे। हम रास्ता अगर सही पकड़े हैं हम वहां तक पहुंच जाएंगे। तो पहला पायदान क्या है? योग। अगर योग को अच्छा से हम करने लगे तो हमारा ऑटोमेटिक है रास्ते से सीढ़ी पर चढ़ते हुए अंत में कहां पर पहुंच जाएंगे? तो ये एक साधन है, इसको हमको फॉलो करना चाहिए, इसको हमको जीवन में लाना चाहिए। आत्म संयम, यही इसी पर और बात कर रहे हैं, सेल्फ कंट्रोल, ठीक है। आत्म संयम अगर हो गया, ठीक है, लास्ट में आत्म संयम होगा ना तब मोक्ष मिलेगा। आत्म संयम जो है वो सेल्फ कंट्रोल क्या है, कैसे होता है? इंद्रियों पर नियंत्रण के द्वारा। कैसे होगा? अगर हमको दिमाग हमारा सही हो गया, विचार हमारा सही हो गया तो हम आत्मसंयम कर सकते हैं। आत्मसंयम है क्या? कैसे हम ब्रेक लगाते हैं, कंट्रोल में करते हैं? हमारे पास कौन सी घोड़ा है? हम बोले ना कि घोड़े पर बैठे हुए सवार उसको कंट्रोल करता है। तो हमारे शरीर में कौन घोड़ा है? हमारा शरीर में कौन ऐसा घोड़ा है जो भाग रहा है स्पीड में, इसको कंट्रोल करना है? वो घोड़ा है इंद्रिय। कौन है? इंद्रिया। इंद्रिया कितना है? पांच इंद्रिया है, दस इंद्रिया है। कितना इंद्रिया है? दस इंद्रिया है। कौन कौन? तो पांच है ज्ञान इंद्रिय, कौन सा है, और पांच है कर्म इंद्रिय। तो कितना हो गया? साथ में मन भी है, ग्यारह, और भी तत्व हैं। इस दो पर पहले कंट्रोल करेंगे। तो ये पांच ज्ञान इंद्रिय और पांच कर्म इंद्रिय पर कंट्रोल करना, यही है आत्मसंयम। तो ज्ञानेंद्रिय में कौन कौन सा है? आंख है। आंख के कंट्रोल कैसे करेंगे? आंख भाग फोड़ देंगे, आंख बंद रखेंगे हमेशा गंधारी की तरह? वो नहीं, सूरदास आंख फोड़ लिए थे, गंधारी ने पट्टी मार लिए थे, क्या सुधर गए थे? बेटा का तो मुंह लगा ही रह गया, रहा कि नहीं। तो इस पर नियंत्रण कैसे करेंगे? नियंत्रण करने के लिए है कि आंख को सही जगह पर उपयोग करना। और दूसरा क्या है? कान है, और क्या है? नाक है, मुंह है, ये जो जितने भी ज्ञानेंद्रिय है, और कर्मेंद्रिय, इस त्वचा भी है ज्ञानेंद्रिय, और कर्मेंद्रिय है हाथ पैर जो भी है, इस सबका उचित रूप से उसका उपयोग करना, जहाँ जहाँ जरूरी है वहाँ पर उपयोग करना, और जितना जरूरी है उतना ही उपयोग करना, ज़्यादा जरूरी नहीं है। कुछ बुजुर्ग होते हैं कि वे मतलब का जहाँ जरूरी नहीं है वहाँ भी बोल देते हैं, उससे विवाद पड़ता है ना। वो इसका मतलब क्या हुआ कि अपने इंद्रियों को कंट्रोल
नहीं कर पा रहे हैं, अगर वह कंट्रोल कर लेंगे तो आत्मसंयम वाला स्थिति में आ जाएंगे। तो ये मुश्किल है ना, लेकिन करना इस पर जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो हम स्वस्थ नहीं हो पाएंगे, हमारा मोक्ष नहीं हो पाएगा। तो ये नियंत्रण अगर हो गया तब क्या होगा, तब क्या कर सकते हैं? वासनाओं, तृष्णाओं, राग द्वेष, अन्य तुच्छ प्रवृत्तियों को बस में कर सकते हैं। ठीक है, अगर इंद्रियों पर नियंत्रण हो गया तो वासना पर नियंत्रण हो जाएगा। बस में करना मतलब क्या है? अपनी मर्जी से चलाना, जब चाहे चलाएंगे, जब चाहेंगे उसको रोक लेंगे। तो वासना क्या है? हमारा जो इंद्री है, इंद्री जो चाहता है उसके पीछे हम पागल हो जाते हैं। अगर हमको यहाँ पर सुगंध आया तो अब कहाँ सुगंध आ रहा है, हम उस फूल के पीछे दौड़ रहे हैं। ठीक है, आँख में हमको कुछ सुंदर दिखा, अब वो जहाँ जहाँ जा रहा है उसके पीछे भाग रहे हैं। तो उस यही वासना है। तो वासना के पीछे जब हम जाते हैं तो वो कौन ले जाता है? इंद्रिय ले जाता है। तो इसको बस में हम कर सकते हैं। कब? इंद्रियों पर नियंत्रण के द्वारा वासना पर नियंत्रण कर सकते हैं। कृष्णा क्या है? तो ये भी इच्छा है। कृष्णा क्या है? तो इच्छा का रूप है कि हमको ये चाहिए, वो चाहिए। जो चाहने की प्रवृत्ति है वो कभी खत्म होगा? कभी खत्म नहीं होता है। तृष्णा जो है इसका प्यास कभी खत्म नहीं होता है। जिस तरह से ये तृष्णा ऐसा ही है कि आग में हम घी डालें, आग जल रहा है और उसको बुझाना है, तो क्या डालेंगे उसमें? पानी डालेंगे, बुझ जाएगा। तो हमारा जो इंद्रिय जो घोड़ा है, दौड़ रहा है, इसमें क्या करना होगा? इसको कंट्रोल करने के लिए हमको उत्तम विचार लाना पड़ेगा। अगर उसको खुश करने के लिए उसको देते जाएंगे तो वो और भागते जाएगा। एक्सीलेटर गाड़ी में जितना दिया जाता है उतना स्पीड और बढ़ता है, कंट्रोल नहीं होता है। तो तृष्णा पर जो है लगाम लगाने के लिए आग में घी नहीं डालना है, ये जो चाहता है वो नहीं देना है। अगर इसको हम देते हैं तो वो इच्छा और बढ़ेगी। हमको जो चीज़ चाहिए, ठीक है, वो अगर हमको मिले तो हमारी इच्छा शांत नहीं होगा, क्या होगा? इच्छा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब ये चाहिए तो ये मिल गया, तब वो भी चाहिए, वो मिल गया और वो भी चाहिए। इस तरह से हमारे पास कुछ नहीं है, पैदल चल रहे हैं तो क्या चाहिए? सोचते हैं किसी तरह से एक साइकिल मिल जाता कम से कम तो थोड़ा सा आराम होता, सोचते हैं ना। और साइकिल मिल गया तो फिर क्या सोचते हैं? ओह, कुछ लोग तो मोटरसाइकिल से हमसे आगे निकल जाता है। मोटरसाइकिल मिल जाता तो हमको और ज़्यादा आराम होता। वो मिल गया, कार मिल गया, कार चाहिए, कार हमको फिर और चाहिए। तो हमको ट्रेन में से गुजरे हम, प्लेन से हम चले, तो इसका कभी प्लेन जो चलता है ना उसको अभी प्लेन से संतुष्टि नहीं होता है। वो सोचता है अब हम और कैसे जा सकें स्पीड में, और हम कहीं भी कैसे चल जाए, इस दुनिया को जो देख लिए और दूसरे ग्रह पे कैसे चल जाए, तो चांद पर चल जाएंगे, मंगल पर चल जाएंगे। मतलब तृष्णा का अंत है, इसका शांत नहीं है। आज हमको पैसा नहीं है, सोचते हैं पाँच रुपया दस रुपया हो जाए, तो वो हो जाएगा तो हज़ार में चाहिए, लाख में चाहिए। ये इच्छा कभी ख़त्म नहीं होता है। तो ये ख़त्म करना होगा कैसे? उसको पूरा करके, उसको रोक करके पूरा करना होगा। जितने ज़रूरत है उतना ही। राग द्वेष क्या है? राग मतलब हुआ एक तरह से एक मोह है, प्रेम है, किसी के प्रति जो है विशेष लगाव होना कि हमको यही चाहिए, ये नहीं तो हम नहीं, इसके बिना हम नहीं रह सकते हैं, यही ये हमारा अपना है। इस तरह का जो लगाव है वो राग है। और द्वेष क्या है? द्वेष जलन की भावना है, यह हमारा विरोधी है, यह उसको है तो हमको क्यों नहीं है, इस तरह की भावना। तो ये इसमें कोई भी भावना अच्छा है? यह सब भावना जो है वो तुच्छ है, छोटी छोटी भावना है, एकदम लो क्वालिटी की भावना है। ये कैसा है? ये लो क्वालिटी की भावना। तो इसको क्या करना होगा? कंट्रोल करना होगा। ये गलत चीज़ है, गलत को हमको कंट्रोल करके अच्छा चीज़ को निकालना होगा। इसको बस में करना है। बस में कैसे होगा? इंद्रियों पर नियंत्रण के द्वारा होगा। इसका उदाहरण एग्जाम्पल तो सभी दर्शन है, लेकिन इसका अपवाद है चार्वाक। चार्वाक ऐसा नहीं मानते हैं। चार्वाक सब पूरा करना पर कहते हैं, वो कहते हैं दुनिया में जो है बस उतना ही सही है, हम खाए पिए ऐश मौज करें मगन रहें, अपना आत्मा तृप्त हो गया, बस यही सही है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये चार्वाक का कहना है। ठीक है, तो इस तरह के जो विचार है इस पर आरोप क्या लगता है? इस पर आरोप लगता है कि भारतीय दर्शन जो है आत्मनिग्रह और संन्यास का मार्ग बताता है। मतलब ऐसा कह करके लगता है ना कि किसी को कि
सन्यासी बनाना चाह रहा है, कहता है सब कुछ छोड़ दो और सन्यास साधु बन जाओ, ठीक है, आत्मा को एकदम मार दो, क्या ऐसा कह रहा है? ये इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि सबको मार देना, सब कुछ छोड़ देना, इसका कहना है कि जितना जरूरत है उतना ही उपयोग करना है, इसके पीछे नहीं भागना है, हम उसके पीछे भागेंगे नहीं, अपनी मर्जी से उपयोग करेंगे जितना जरूरत है। इसका क्या कर, ये आधार जो है यह सही नहीं है, निराधार है, ऐसा आरोप जो है यह गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यह इंद्रिय दमन का पाठ नहीं पढ़ाता है, इंद्रियों को मारने के लिए, इंद्रियों को कष्ट देने के लिए नहीं कहता है। आप तो कहे कि सुंदर के पीछे भागना नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी कह रहा है कि देखना नहीं है कुछ, सब कुछ देखना है, लेकिन उसका उपयोग उतना करना है जितना जरूरत है। इंद्रियों को अच्छे मार्ग पर लाने एवं सुधार पर जो, ये क्या सिखाता है? इंद्रियों को बर्बाद नहीं करना, इंद्रियों को नष्ट नहीं करना है, इंद्रियों को अच्छे मार्ग पर लाना है और उसमें सुधार करना है, इसी पर जोर देता है। आत्मा के साथ शरीर मन प्राण आदि के समुचित विकास पर ध्यान देता है। यह सिर्फ आत्मा पर ध्यान दिया, अगर हम योग करते हैं तो सिर्फ आत्मा का विकास होता है, शरीर का भी विकास होता है, शारीरिक रूप से भी हम स्वस्थ होते हैं, फिजिकली हम स्ट्रांग हो जाएंगे, तो हमको कोई चीज का दिक्कत नहीं होगी, बीमारी नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा, कष्ट से भागने के लिए नहीं सब किया जा रहा है। तो इस तरह से कह रहा है कि यह सिर्फ आत्मा की बात नहीं है, ये किसका है? इस तरह से हमने देखा है कि इस पर जो आरोप लगाया गया है कि भारतीय दर्शन सन्यास होना सिखाता है, सन्यासी बनाता है, ये ऐसा नहीं है, ये आरोप निराधार है। सन्यास जीवन और गृहस्थ जीवन, ठीक है, दोनों का महत्व बराबर है, कोई किसी से कम नहीं है, ऐसा नहीं है जो सन्यासी बन गए वो बहुत बड़े पूज्य हो गए और जो गृहस्थ जीवन में है, शादी विवाह करके परिवार चला रहा है, वो निकृष्ट है, ऐसा नहीं है, इसका अपना धर्म है, उसका अपना धर्म है, ये भी जरूरी है। तो ये सिखाता है। अगला बिंदु है जीवन का चरम लक्ष्य, मोक्ष लक्ष्य, क्या माने थे हम, क्या माने हैं? मोक्ष, क्या माने हैं? मोक्ष, मोक्ष प्राप्ति हमारा अंतिम लक्ष्य है, अल्टीमेट एंड और सर्वोच्च साध्य, हाइएस्ट एंड, सबसे अंतिम और हाईएस्ट, सबसे ऊंचा है मोक्ष पाना, सबसे बड़ा लक्ष्य जो क्या है इसका, भारतीय दर्शन का, मोक्ष पाना। मोक्ष किसको कहते हैं? मोक्ष की अवस्था समझना पड़ेगा कि मोक्ष है क्या, बढ़िया समझेंगे इसको। इसका दो अवस्था है, एक है निगेटिव, एक है पॉजिटिव, दो तरह की बात है। कैसा है मोक्ष, कितने तरह होते हैं? इसका दो तरह का इसका पक्ष है, एक निगेटिव पक्ष है, इस तरह से देख सकते हैं नेगेटिव के रूप में और पॉजिटिव के रूप में। नेगेटिव पॉजिटिव क्या है? दोनों की चीज। निषेधात्मक पक्ष में हम देखते हैं कि दुख रहित अवस्था, कि दुख नहीं है, तो नहीं का साथ उपयोग हुआ ना, तो क्या नहीं है? तो दुख नहीं है। अगर दुख नहीं है जिंदगी में तो हम मोक्ष हो गए हमको, ठीक है। तो मोक्ष प्राप्ति का जो अवस्था है दुख रहित अवस्था, ये निषेधात्मक पक्ष है, नेगेटिव एस्पेक्ट है, ठीक है। लेकिन इसी को दूसरे कुछ दार्शनिक क्या कहते हैं कि दुख रहित की बात करना छोड़ दीजिए, दुख तो नहीं है, लेकिन उसको दुख का नाम बोल करके दुख को हम याद क्यों करें? उसको हम कैसे कह सकते हैं? आनंदमय अवस्था है। कैसा अवस्था है? आनंद की अवस्था, सुख ही सुख है, सुख में भी सर्वोच्च सुख, हाइएस्ट प्रकार का, तो ऐसा अवस्था है। तो ये क्या हुआ? भावात्मक पक्ष है, ये पॉजिटिव बात करता है, इसमें ये नहीं है वो नहीं है ऐसा बात नहीं करता, जो है उसकी बात करता है। मोक्ष कितने प्रकार के होते हैं, अब इसको समझेंगे। मोक्ष दो प्रकार का होता है, कितना होता है? एक होता है जीवन मुक्ति, पहला क्या है? जीवन मुक्ति, जिसको सदेह मुक्ति कहते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है? विदेह मुक्ति। सदेह और विदेह क्या है? जीवन मुक्ति और मृत्यु मुक्ति क्या है, ये समझना पड़ेगा। तो जीवन मुक्ति है कि जीवन में ही मुक्त हो गए, हम जिंदा हैं। ऐसे लोग क्या समझते हैं कि मोक्ष जो है मृत्यु के बाद मिलेगा, मरने के बाद स्वर्ग मिलता है, ऐसा बोलते हैं ना, तो मरने के बाद मोक्ष मिलता है, ऐसा सही नहीं है। मोक्ष जो है
दो तरह का होता है, एक जीवन में भी मुक्त होता है, एक जीवन के बाद भी मोक्ष होता है। तो एक इसका एग्जाम्पल है कि जीवन मुक्त कौन है, उसका उदाहरण क्या है, जनक। जनक जो ऋषि थे जो सीता के पिताजी थे, वो जनक विदेह राज कराते थे ना, वो उनको उस ऐसा जीते थे वो, उनका ये शरीर नहीं है ऐसा मान करके जीते थे, दुनिया में कुछ हमारा नहीं है, सब समर्पण था, तो वो मुक्त थे, तो उनको विदेह राज कहा जाता था। तो ये सदैव मुक्ति है, वो जीवन में जिंदा रहते हुए भगवान बुद्ध क्या थे, मुक्त हो गए लेकिन जीवित थे, मरने के बाद नहीं हुए थे। तो जीवन मुक्ति क्या है, इसी जीवन में शरीर के साथ मुक्ति, शरीर है और मुक्ति भी है। अब विदेह मुक्ति क्या है कि मृत्यु के बाद मुक्ति, ये बिना शरीर का मुक्ति, आत्मा मुक्त हो गई और वो अब शरीर में नहीं आएगा, फिर से जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो गया। तो ये हो गया इसका दो प्रकार, जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति और सदैव मुक्ति, ठीक है। मोक्ष को और भी नाम से जानते हैं, निर्वाण। निर्वाण का मतलब क्या है, मोक्ष। कैवल्य, कैवल्य का मतलब क्या है, मोक्ष। दोनों एक ही चीज है, दोनों निर्वाण और कैवल्य दोनों क्या है, मोक्ष ही है। अब इस पर आरोप क्या लगता है, व्यवहारिक पक्ष पर अधिक जोर देता है। हम लोग कहते हैं कि व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए, सिर्फ थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा। तो व्यवहार पर ध्यान देने के कारण, योग की महत्ता को बताने के कारण कहता है कि भारतीय दर्शन व्यवहार पर इतना जोर देता है, सिद्धांत पक्ष को भूल जाता है। तो ये भी आरोप जो इस पर लगाया गया, ये आरोप गलत है। कहा क्या था, व्यवहारिक पक्ष पर अधिक जोर देता है और सैद्धांतिक पक्ष की अवहेलना करता है। अवहेलना मतलब उसको इग्नोर करता है, सिद्धांत को नहीं पालन करता है। ये आरोप गलत कैसे है, इसका जवाब निराधार है। इसका जवाब जो है, बोलता है कि ये आरोप निराधार है। जवाब के रूप में कहता है कि ये दो चीज करता है, मार्गदर्शन क्या करता है, जीने का ढंग सिखाता है, ये कि वे ऑफ लाइफ कैसे होगा इसको बताता है, योग की महत्ता से हम जिंदगी कैसे जियेंगे हमको ये बताता है। और इसके साथ ही तत्व मीमांसा, प्रमाण शास्त्र, तर्क शास्त्र, इस तरह से बहुत सारे अंग हैं दर्शन शास्त्र का, इस सबका भी अध्ययन करता है। तो ये क्या हो गया, सिद्धांतिक पक्ष नहीं हो गया, तो सिद्धांत और व्यवहार दोनों को बताता है। तो भारतीय दर्शन पर ये आरोप कि व्यवहारिक पक्ष पर अधिक जोर देता है, ये गलत है। दोनों पक्ष इसका मजबूत है, कोई कमजोर नहीं है। भारतीय दर्शन का दृष्टिकोण क्या है, तो समन्वयात्मक है, ये सिंथेटिक है, ये रचनात्मक है, कुछ नया करता है, और व्यवहार और सिद्धांत दोनों को मिलाकर चलता है। एक पंच की भूमिका होती है ना, वो दोनों पक्ष को सुनता है और दोनों को मानने की कोशिश करता है, मिलाने की कोशिश करता है। तो भारतीय दर्शन का दृष्टिकोण ऐसा ही है। यहाँ पर सिद्धांत और व्यवहार का अपूर्व संगम हुआ है, अपूर्व मतलब पूर्व जो पहले नहीं हुआ, और ऐसा संगम हुआ है कि ऐसा संगम फिर से कभी और कहीं नहीं हुआ है, ठीक है।